हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि फोल्डर आइकन की जगह कोई दूसरी इमेज कैसे लगाते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक फोल्डर है, ठीक है, और ये है एक इमेज। तो इस इमेज को हम इस फोल्डर आइकन की जगह सेट करेंगे। तो कैसे करना है, इस फोल्डर को पहले क्लिक करिए, मतलब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद राइट क्लिक करिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जाना है प्रॉपर्टीज में, ये रहा प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर हमें क्लिक करना है कस्टमाइज पे, ये रहा कस्टमाइज, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ये देखिए, ये है वो ऑप्शन, चूज अ फाइल टू शो ऑन दिस फोल्डर आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं, तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पर, ठीक है। ये रहा डेस्कटॉप, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, ये है वो पिक्चर, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये फिलहाल ये पिक्चर यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करते ही आप देखिएगा उस फोल्डर में आइकन की जगह जो है वो पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, अब मैं अप्लाई पे क्लिक करने जा रहा हूँ, अब आप देखिएगा, ठीक है। ये मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया और ये देखिए यहाँ पर इमेज आ गई, ठीक है। अब यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो फोल्डर आइकन है उसमें उसकी जगह एक इमेज आ गई, ठीक है।